मसाला भी होना चाहिए। इसके अंदर मैं नमक अपने लिहाज से डालूंगी, तो आप भी लिहाजा अपने लिहाज से ही नमक डालिएगा जितना आपको पसंद है। सबसे पहले मैं मसाले में डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर में ज्यादा नहीं डालूंगी, कुछ थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद अब मैं इसको भूनूंगी मसाले के अंदर, जस्ट लाइक दिस। आज मुझे चूल्हे के सामने खड़े होकर पता लग रहा है कि गर्मी आ गई, सर्दी है ही नहीं। मतलब कितनी सर्दी थी ना, कितनी सर्दी लग रही थी वहां पे कि जल्दी जल्दी कराची आ जाए, यहाँ आगे जाकर वहीं रह जाऊंगी। अब मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी ताकि अगर थोड़ी भी सब्जी कच्ची है ना तो वो गल जाए, क्योंकि आपको पता है सब्जी जो होती है वो गली भी अच्छी लगती है। सब्जी जो है वो तकरीबन रेडी है, पूरी रेडी नहीं है। तो आप लोगों को मेरे हाथ में एक बॉल नजर आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने बनाया इमली का पेस्ट, और इमली का पेस्ट भी मैं अपनी सब्जी में डालूंगी ताकि टेस्ट जो है वो इनहेंस हो जाए। मिक्स करने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ, चम्मच को साइड से अंदर करें और इसको अच्छे से गोल गोल घुमाएं। सब्जी को अच्छी तरीके से भूनेंगे। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, और साथ ही साथ कसूरी मेथी जो मैं धोती हूँ। सब्जी इज रेडी, टन 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 टन। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम के रखूंगी। मेरी प्लेट बिल्कुल तैयार। राइस के साथ मैं ये सब्जी ट्राई करती हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपके घर में सब्जी बने तो आप रोटी से खाना